पहुंचेंगे राहुल गांधी, ऐसे में कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज किसानों को लागत होती है खाद के, बीज की, कृषि की, पानी की, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। और बीजेपी से पूछो, सरकार से पूछो, 10 साल आपको हो गए, पूरे बहुमत की सरकार आपकी रही, भाषण देते हैं डबल इंजन डबल इंजन। हिमाचल प्रदेश में हमने बीजेपी को हराया, कर्नाटक में हमने हराया, तेलंगाना में हमने हराया। हम कुछ चुनाव हारे कुछ जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत में कभी फर्क नहीं है। इसमें आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में बात को याद रखना। भाषण देना आसान है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के सरकार ने 10 साल काम किया, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला, नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, सूचना का अधिकार का कानून बनाया। और बीजेपी ने क्या कानून बनाया, नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी लेकर आ गए, कृषि के तीन काले कानून बना दिए। वो काले कानून क्या थे, सरकारी मंडियों को बंद करना चाहते थे ताकि पूरी देश की लाखों करोड़ की खरीद 2-4 लोग अपने हाथ से किया करें। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जनता के साथ पहले भी थी और आज भी है। आज राहुल गांधी का जो संदेश है वो हमें जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा निकल रही है, राजस्थान आएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश आगे जाएगी, लेकिन यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, छत्तीसगौ के लोगों को, हर धर्म के बरादरी के लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं। और दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं, मजहब के नाम पर झगड़ा कराना चाहते हैं। आप पूछो महंगाई की बढ़ गई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान आपको कैसा। चलिए अब तस्वीर आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। तो आज के समय में है, आज के समय में इतनी कभी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। किसान को काम करने आमदनी दुगनी करूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। उस किसान के लिए 3 काले कानून लेके आया, 750 किसानों ने कुर्बानी दी, दिल्ली के अंदर समझौता हुआ, तब वो काले कानून वापस हुए और जो समझौता लागू हुआ उस समझौते को लागू कराने के लिए आज किसान वापस आंदोलन के ऊपर आया हुआ है। दिल्ली के अंदर चोर गुंडे मवाली अपराधी जा सकते हैं, लेकिन हमारा पेट भरने वाला हमारा किसान दिल्ली नहीं जा सकता। उसके रास्ते के अंदर सरिये बिछा दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर ली गई है, उस पर गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। ये हालात इस देश के अंदर है और हम चुप है, हम चुप है, हमारे भाई मर रहे हैं, हम चुप है, हम कब जागेंगे। हर व्यक्ति को राहुल गांधी कहने नहीं आएगा, आपको जागना होगा, राहुल गांधी जी की आवाज पर आपको जागना होगा। और ये लोग जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ईआरसीपी के लिए धन्यवाद दे रहे थे, मैंने पूछा एमओयू हो गया, एमओयू की कॉपी मिल गई, डीपीआर बन गई, कुछ बजट मंजूर हो गया, नहीं हुआ, फिर किस बात का आभार। नवनेरा बांध और ईशरा बांध राजस्थान सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए लगा के आप लोगों के लिए बना दिया, उसका दौरा तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और अब भाई मुख्यमंत्री जी की बात आगे तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कोई काम करते हो चेंज करना पड़ता है उनको तुरंत। पर्ची दिल्ली से जब तक नहीं आए तब तक काम होता नहीं। और अब के बाद तो भाई तुम्हारा भाई बन गया भरतपुर वाला। 3 दिन पहले मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया कि रेड लाइट पे मैं रुकूंगा, मेरे लिए कोई रूट नहीं।